मुरादाबाद में एक पुलिसकर्मी द्वारा अपनी पत्नी के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। पीड़ित पत्नी का आरोप है कि आरोपी बेरहम सिपाही ने उसे घर में बंद कर रात भर पीटा और प्लास से पैरों की उंगलियों के नाखून तक खींच लिए। वहीं दरिंदगी करते हुए गर्म चीज से प्राइवेट पार्ट को भी जला डाला। मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने दरिंदगी की है, यानी जलाया है और कीले भी गरम गरम उन पर वो लगाया है। उन्होंने तरह तरह के मेरे साथ बियर भी पिला पिला के मुझे मारा है, करंट लगाया है और वैसे भी केबल से कभी भी तार से कहीं कुछ कभी कभी बहुत मारा है। एक महीने से मुझे वो करे जा रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। एक महीने से लगातार मार रहे हैं मुझे, लगातार कभी केबल से, कभी डंडे से, कभी किसी से। और बंद करके कमरे में मुंह पर डाटा लगा के तब मारते हैं मुझे, और नहीं कोई देखना, नहीं कुछ करना नहीं, और वैसे भी पिला पिला के भी मारते हैं। और कहीं केबल से, कभी तार से खूब जला के मारा है मुझे। जहाँ जहाँ नहीं मारना वहाँ भी मारा है, बॉडी की जगह तक केबल से, यानी पेचकस से मुझे गरम गरम करके मारा है बहुत। और मेरे साथ तमाम ऐसी घटना हुई है कि बांध बांध के कभी पीछे से कभी आगे से बार करा है, और ना तो उन्होंने कहीं देखा कहाँ जा रहा है, कहीं कुछ नहीं। मेरे मुंह पे भी, मेरी सब पे, यानी हर चीज पे मेरे, जहाँ कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मेरे चोट नहीं है, जहाँ मेरे जलाया नहीं है, हर जगह मेरे जलाया है। और जहाँ भी देखा जाए तो, यानी ऊपर से नीचे तक कोई जगह ऐसी छिकी नहीं है जहाँ की है नहीं, जलाया भी है और मारा भी बहुत है। पाइप से मारा है, केबल से मारा है, चाकू से भी करा है मेरे। आपने एप्लीकेशन में किसी प्राइवेट पार्ट की बात की है और फिजिकली मतलब कि वहाँ भी बात की है, क्या वो बताइए ना क्या? प्राइवेट पार्ट में भी उन्होंने मेरे जलाया है कि उससे एक लोहे की कील से उससे जलाया है, प्राइवेट पार्ट में भी, और मेरे छाती में भी सहरे में जलाया है, वो भी मेरे कील से जलाया गया है, और खूब खूब लाल लाल कर करके खूब तेजी से जलाया गया है उसे भी। क्यों, क्या वजह, क्या क्या कहते हैं, क्या वजह? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही कोई नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही मारते हैं मुझे, टॉर्चर करते हैं, किसी भी कोई भी चीज को लेकर टॉर्चर करते हैं मुझे, मारते हैं। क्या नाम है? नाम बताइए, शादी कितने टाइम से, पूरी बात बताइए। तीन साल हो गए शादी को, विकास नाम है। पीड़ित महिला को उसके परिजनों द्वारा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, और विकास नाम के सिपाही और उसके परिजनों के खिलाफ थाना पागबड़ा में मुकदमा दर्ज कराया है। बहन के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है, ससुराल पक्ष ने बहुत ज्यादा इसको परेशान किया है, बहुत दुखी किया है, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है इसके साथ। क्या गलत किया? इसको रॉड से दागा है, नाखून उखेड़ लिए हैं इसके, इसको मतलब जो उससे उनसे किया गया है उनसे बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है इसके साथ, बहुत ज़्यादा परेशान किया है बहुत लंबे समय तक। कौन है हस्बैंड, कौन है, क्या करते हैं? हस्बैंड का नाम विकास और विक्की है, वो पुलिस विभाग में है, कॉन्स्टेबल। क्या चाहते हैं? हम सर यही चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले, और जो हमारी बहन के साथ किया उसके साथ उससे ज़्यादा हो कुछ। सरकार से, योगी जी से चाहते हैं कि वो उसको जल्द से जल्दी गिरफ्तार कराएं। अच्छा, आप लोगों ने जो मुकदमा दर्ज कराया है जी, क्या उससे संतुष्ट हैं? अब वो संतुष्ट क्या है, वो अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई अच्छे से हो नहीं पा रही है, जो उसके सास ससुर को पकड़ रखा था उन्हें भी छोड़ दिया गया है। क्या पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है? सहयोग कर रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर रहा। आरोपी सिपाही ओरिया जनपद में तैनात बताया जा रहा है और मूल रूप से जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है। गंभीर हालत में घायल महिला और उसके परिजनों ने योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। उनकी बेटी की शादी गांव जेवड़ा थाना पागबड़ा में हुई थी एक विकास नाम के व्यक्ति से 3 साल पहले, और उसमें जो ये विकास पति है उसने उनकी बेटी के साथ काफ़ी मारपीट की है और उनको गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर तत्काल हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत किया
और उसके बाद 3 व्यक्तियों के खिलाफ इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके अभी जेल भेज दिया है। जो उसका पति है विकास, ये एब्सकॉन्डिंग है, उसके लिए भी टीम लगा दी गई है और इसमें हम लोग बहुत जल्दी उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। सर, ये जो विकास है, ये किस पोस्ट पर तैनात है, उनके फादर क्या? देखिए, जो विकास है, जो इसमें आरोपी है, ये यूपी पुलिस में कॉन्स्टेबल है 2019 बैच का और जनपद उन्नाव में तैनात है। संभवतः अभी जो पता चला है वो अवकाश वगैरह पे है, लेकिन उसमें अभी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है। और जो उसके फादर यानी जो पीड़िता है, उसके ससुर, ये PSC में है, तो इसमें हम लोगों ने विभाग की तरफ से उसमें पत्राचार भी कर दिया है और सभी आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें मुकदमा किन किन लोगों के खिलाफ हुआ है? 3 व्यक्तियों के खिलाफ हुआ है, जो पति है विकास और उसके जो सास और ससुर यानी विकास के माता और पिता, इसमें फादर और मदर दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया।